हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, आर वी लिविंग इन द लास्ट डेज, इस विषय पे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, अंत के दिनों की बातों को समझाने के लिए, मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूं, अंत के दिनों की बातों को समझाने के लिए मैंने किसी भी व्यक्ति का सहारा नहीं लिया है, जिसके चलते लिखा है कि मैं किसी भी व्यक्ति का सहारा नहीं लूंगा, नंबर वन। नंबर टू, ना ही किसी के पुस्तक का और ना ही किसी के टिप्पणी का। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको अभी से कह देता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी आपके बीच में इस विषय पे बात करूंगा जिसको मैंने अभी दिखाया, क्या हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ सहारा लूंगा और वह है बाइबल का, सिर्फ वचन का। किस व्यक्ति ने क्या कहा, वो कितना सीनियर है, वो कितना एक्सपीरियंस वाला है, उसका क्या मिनिस्ट्री है, उनको नमस्ते, उनको नमस्ते। मैं किसी को क्रिटिसाइज, किसी को नीचे, किसी को ऊपर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे अंत के दिनों की बातों को आपको समझाने के लिए किसी व्यक्ति, किसी पुस्तक, किसी टिप्पणी की जरूरत नहीं है, बस हमको वचन की जरूरत है और उसी को राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, 2 Timothy 2:15-16, जिसके चलते आपके बीच में मैं ये बातों को रखूंगा। तो वापस से कह देता हूं, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी के बीच में एक टॉपिक पे बात कर रहा हूं और वह विषय है, क्या सच में हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, आर वी लिविंग इन द लास्ट डेज। और जो कि अभी आपके बीच में कहा था कि अंत के दिनों की बातों को समझाने के लिए डैनियल राज किसी भी व्यक्ति का सहारा नहीं लेगा, ना किसी की पुस्तक का, ना किसी की टिप्पणी का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन का सहारा लेगा। अगर आप लोग देख रहे हैं, ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा देंगे और साथ ही साथ फेसबुक पर आपका जो टिक टिक है वो चलता रहे, लाइक, कमेंट्स, आप कहां से हैं, कैसे क्या है, वो भी चलता रहे, ठीक है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। नाउ, ऐसा क्यों पास्टर डैनियल, ऐसा क्यों व्यक्ति का सहारा नहीं ले रहे, किसी के पुस्तक का सहारा नहीं ले रहे, किसी की टिप्पणी, क्योंकि आजकल कुछ नया चल रहा है कि उसको इसको बुलाकर पूछा जाता है कि आपका क्या कहना है अंत के बारे में, आप क्या सोचते हैं। अभी मैं वापस कहता हूं, मैं इस तीनों किसी भी कैटेगरी का सहारा नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ बाइबल का सहारा ले रहा हूं। नाउ, ऐसा क्यों, क्योंकि धोखा बहुत है। मैं रिपीट करता हूं, धोखा बहुत है। यीशु की शिक्षाओं के मामले में धोखा बहुत है, साथ ही साथ यीशु की शिक्षाओं के मामले में कोई समझौता नहीं। मैं रिपीट करता हूं, किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। यीशु की बातें यस को यस, ना को ना, Matthew 5:37 आपको याद होगा, यीशु ने कहा तेरी बातें हां की हां और ना की ना, उससे जो ज्यादा होता है वो पाप होता है। तो वापस कहते, और यशाया भी कहता है 5:20 जिस चीज को गलत बोलना है गलत बोलो और जिसको सही बोलना है सही बोलो। तो वापस आता हूं, क्योंकि धोखा बहुत है। यीशु की शिक्षाओं के मामले में डैनियल राज और मसीह मंथन वाले किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज समझौता नहीं करेंगे। ना कुछ लोग कहते हैं कि मेरा पास्टर है, कुछ लोग क्या कहते हैं, मेरा पास्टर है मैं तो उसके सुनूंगा। अब जरा कमेंट या ये स्टेटमेंट रख रहा हूं, पास्टर तो बहुत दूर की बात है, अपने बाप तक की भी नहीं सुनना। पास्टर तो दूर की बात है, अपने बाप तक की भी ना सुनना। क्यों? क्योंकि हो सकता है, यीशु ने कहा तुमको धोखा कहीं से भी आ सकता है, लिखा है धोखा घर से आ सकता है, लिखा है धोखा पति पत्नी माता पिता सभी से आ सकता है, और जिसके चलते आपको, पास्टर तो दूर तक की बात है, मैं तो तुम्हारे बाप तक की बात कर रहा हूं, बाप की भी बात कर रहा हूं। इसलिए बहुत जरूरी है, मैं समझता हूं कि यीशु की शिक्षाओं में, और खास करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वह है अंत की बातें, और उसके प्रति किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। तो जिसके चलते ये बातें आपके बीच में मैंने रखी है। अब प्रश्न का जवाब कौन सा, क्या सच में हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। तो इसका जवाब दे देता हूं, तो इसका जवाब है यस। प्रश्न क्या था, ध्यान से सुनिए, क्या सच में हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, तो इसका जवाब है यस। लेकिन 2000 सालों से,
हम कब से अंतिम दिनों में जी रहे हैं, 2000 सालों से। आपको यह सुनकर आपका माथा ठक करके ठनका होगा, आपके दिमाग में यह बात शायद फर्स्ट टाइम किसी ने डाली होगी कि पास डैनियल आजकल की बात नहीं है, यह कुछ 2-3 डेकेड की बात नहीं है, यह कोई पिछली सदी की बात नहीं है, क्योंकि प्रचार हो रहा है कि क्या हम अंतिम दिनों में हैं। जी हां, हम अंतिम दिनों में हैं। कोई किताबें लिख रहा है, कोई गीत लिख रहा है, कोई प्रचार कर रहा है, लेकिन क्या यह अंतिम दिन है? जी हां, जवाब है यस, लेकिन कब से? 2000 सालों से। तो इसका मतलब है कि हम अंतिम दिन में हैं। पहली सदी से प्रचार शुरू हो गया था, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। फर्स्ट सेंचुरी के चर्च ने, पहले पास्टर ने, पहले बिशप ने, पहले अपोस्तल ने बोलना शुरू कर दिया था। तो अंतिम दिन तो है, लेकिन कब से? 2000 सालों से। नाउ ये अंतिम दिन शुरू हो चुका था यीशु के जमाने से ही, यीशु के जमाने से ही। अब कैसे? मैं आपको उसका प्रूफ दे रहा हूं, वचन से बात करूंगा। आपको बताया था इब्रानियों की किताब उसका पहला अध्याय 1 और 2 लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने अपने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें की। अब जरा इसको देखो, लिखा है इन दिनों के अंतिम में या अंत में, लिखा है इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। तो इसका मतलब है, जिसको कहते हैं क्या हम अंतिम दिनों में? जी हां, लेकिन कब से? 2000 सालों से। क्या बात है! फेसबुक, यूट्यूब, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जूम के लोगों, आपका भी माथा ठनका होगा, अरे बाप रे, पास्टर डैनियल अंतिम दिनों का जो डेट है वो तो पहले सदी से शुरू हो गया था, अंतिम दिनों का कॉन्सेप्ट तो पहले दिनों से शुरू हो गया था, यीशु के जमाने से। इसलिए लिखा है यीशु के जमाने से। पत्रस ने जब मिनिस्ट्री करी तो उसने कैसे शुरू किया वो भी बताता हूं। प्रेरितों की किताब 2:17 लिखा है कि परमेश्वर कहता है, कौन? पत्रस बोल रहा है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। तो कौन सी बात कर रहा था? पेंटेकोस्ट की। पेंटेकोस्ट के दिन में क्या आया था? पवित्र आत्मा। तो जैसे ही पवित्र आत्मा आया तो उसने एक नबी की किताब, जिसको कहते द बुक ऑफ जोएल, योएल की किताब, उसके दूसरे अध्याय से उसने बोलना शुरू किया कि जैसे योएल की पुस्तक में लिखा है अंत के दिनों में। तो इसका मतलब है योएल के लिए अंत का दिन आना बाकी था, लेकिन पत्रस के लिए अंत का दिन आ चुका था। तो इसका मतलब है कि अंतिम दिन शुरू हो चुका था यीशु के जमाने से। अब बताइए, तो वापस पीछे ले जाता हूं और फिर प्रश्न पूछूंगा, क्या सच में हम अंतिम दिनों में जी रहे? क्वेश्चन मार्क। तो जवाब है यस, लेकिन जी हां, लेकिन लिखा है 2000 सालों से। तो नेथन साहब और जितने भी अभी प्रभु के पास्टर्स और लीडर्स, कम से कम मैं समझता हूं कि तीनों प्लेटफॉर्म से मिला के, अगर मैं गलत नहीं हूं, 1100 के आसपास है आप लोग टोटल, अभी 1100 लोग लाइव देख रहे हैं मुझको, उन सभी को कहना चाहता हूं कि अंत का दिन का डेट ईशु के जमाने से हो चुका था। देख लीजिए, ईशु के जमाने से। रेफरेंस क्या है? ये वाला 2, एक है इब्रानियों 1:1-2 तक, दूसरा है प्रेरितों की किताब 2:17 में लिखा है अंतिम दिन में, फिर यहां कहता है अंत के दिनों में, अंतिम दिन में, अंत के दिनों में ऐसा होगा, ऐसा होगा। नाउ एक व्यक्ति जिसको मैं खूब पसंद करता हूं, उसका नाम है पौलुस, वो कहता है 1 थिस्सलुनीके 4:17-18 में, आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है तब हम जो जीवित, जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है तब हम, इसका मतलब है जब पत्रस लेटर लिख रहा था वो खुद की गिनती कर रहा था, कहता है कि तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, उन दिनों की बात कर रहा है, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। और लिखा है इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे, सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। तो पत्रस, आपका पौलुस और स्टीफन, उसके बाद एंड्रू, फिर उसके बाद में तीतुस, फिलोमन, ये सारे के सारे यीशु का प्रचार लोगों की कलीसियाओं को कैसे करते थे कि तुम चिंता मत करो, बोला क्यों? बोला यीशु आने वाला है। तुम परेशान मत हो, बोला क्यों? यीशु आने वाला है। किसी प्रकार की चिंता मत करो, दुख है, तकलीफ है, कर्जा है, पैसा है, सताव है, दुख है, पति मर रहा, बच्चे मर रहे, इनको मार रहे, उनको मार रहे, ये सारी बातें हैं, लेकिन चिंता मत करो, लिखा है शांति दिया करो। ये देख लो, लिखा एक दूसरे को शांति दिया करो। तो इसका मतलब है कि अंत के दिनों का चर्चा,
माय गुडनेस, अंत के दिनों का चर्चा यहीं से शुरू हो गया था। और एक देता हूं, पत्रस साहब का भी देता हूं। ये है पत्रस साहब, जो कि आपको कनेक्ट करने के लिए दूसरा पत्र, तीसरा अध्याय, वचन 10 से 11, 10, 11, 12, मतलब 10 से 12। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा, उस दिन आकाश की बड़ी हड़हड़ाहट के साथ के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। एक सेकंड, कब बोल रहा है? पहली सदी में यीशु को उठाए एक सदी, एक 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 डेकेड भी नहीं बीता, मतलब 10 साल भी नहीं बीता होगा या 15 साल भी नहीं बीता होगा, पत्रस की मिनिस्ट्री कितनी चली ये इतिहास की बातें हैं। लेकिन वो कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनेगा, प्रभु का दिन चोर की नहीं आ जाएगा। मतलब कब? पहली सदी में। हम कब जी रहे? अभी 21वीं सदी में। तो पत्रस कहता है अंत का दिन तो तब से शुरू हो गया है। डैनियल तू अभी क्या बात कर रहा है? अंत की बात तो हम तब से कर रहे हैं, तू अभी क्या बात कर रहा है? ना, रख रहा हूं। तो वो कहता है कि उस दिन आकाश की बड़ी हड़हड़ाहट के शब्दों से जाता रहेगा, तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। अब इसको देखो, तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं। अब जरा देखना जिसको मैंने फॉन्ट बड़ा किया है। लिखा है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। तो कलीसिया को वॉर्न कर रहा है, कलीसिया को कह रहा है कि ऐसे जियो, देखो प्रभु आने वाला है। कब? पहली सदी में। फिर कहता है परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जोना चाहिए, उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। तो इसका मतलब है, अगर पत्रस आज होता और हम पहली सदी में होते और ऐसी एक माइक लेकर फेसबुक, यूट्यूब या जूम लेकर हम उसके पास पहुंचते, पत्रस बाबा प्लीज बताइए यीशु कब आएगा। तो पत्रस कहता है, अरे अगले हफ्ते आ सकता है, अगले महीने आ सकता है, 2 साल बाद आ सकता है, 3 साल बाद आ सकता है। अगर उसको हम कहें, बहुत ध्यान से सुनना, अगर उसको हम कहें कि अब से 2000 साल तक यीशु नहीं आएगा, मैं समझता हूं सट करके मार देगा। कौन? पत्रस। पागल है तू? डैनियल बोलेगा, डैनियल क्या तू पागल है, ऐसी बातें कर रहा है, यीशु कभी भी आ सकता है। तो मैं फिर पूछूंगा, अंत का दिन कब से चल रहा है? 2000 साल से। आज कुछ प्रीचर्स, खैर नाम तो मैं नहीं लूंगा, कुछ प्रीचर्स अपने भारत के भी, वैसे तो विदेश का रखूंगा, कुछ प्रीचर्स भारत के ये कहते हैं जैसी चाइना का या अमेरिका का या भारत का या इज़राइल और फिलिस्तीन का या कोई ऐसी प्रोफेसी यरमिया से या शायद से उनको कहीं लिखी हुई मिल जाती है, जिसका कनेक्शन ना बाप है ना माँ है, मतलब कोई हाथ पैर नहीं है उसमें, उसको कनेक्ट करके वीडियो बना देते हैं कि देखो भविष्यवाणी पूरी हो गई और हम अंत के दिनों में जी रहे। तो फिर पत्रस को क्या करें, और फिर पौलुस का क्या करें जो मैंने अभी रखा है, और फिर यीशु कहता है यीशु के बारे में कि अंत के दिनों में पुत्र के द्वारा बात करेगा। तो अंत के दिनों का फ्रेज, अंत के दिनों का कॉन्सेप्ट, ये तो पहली सदी से चल रहा है, 21वीं सदी में कौन सी नई बात है। नाउ रख रहा हूं, तो फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया का लिखा है मेन टॉपिक यही हुआ करता था। कौन सी? अंतिम दिन, अंतिम दिन, अंतिम दिन। एक ऐसा टॉपिक फर्स्ट सेंचुरी के लोग, पत्रस बोल के अभी 10 साल पहले मरा, पौलुस बोल के अभी कुछ 30 साल पहले मरा, पहली सदी की कलीसिया बात कर रही है, मैं प्रिटेंड कर रहा हूं ठीक है ना, और कलीसिया को इनकरेज करते होंगे। पत्रस जिसने फाउंडेशन डाला, जो कलीसिया का बिशप है, जिसने साक्षात यीशु को आंखों से देखा, कलीसिया तुम तैयार हो जाओ, पत्रस ने प्रचार किया है। पत्रियां तो तभी थी नहीं, टोटल बाइबल तो थी तभी थी नहीं, तो उसने कहा कि पत्रस ने प्रचार किया है, मुझे याद है उसने कहा यीशु आने वाला है, आइए हम गंभीरता से जिए, आइए हम पवित्रता से जिए। ऊपर बैठा परमेश्वर बोल रहा होगा पहली सदी के पास्टर को कि बेटा ठीक है तू अपना प्रचार कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन दुनिया नहीं खत्म होगी 2000 साल तक, अभी तक तो नहीं खत्म हुई। माय गुडनेस, अब आप सोच के देखिए। तो फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया का मेन टॉपिक क्या हुआ करता था, यही अंतिम दिन, अंतिम दिन, अंतिम दिन। अब इसको देखो, हर सदी के प्रचारक का फेवरेट टॉपिक भी यही है, एंड डेज या एंड टाइम प्रीचिंग, इनका यही टॉपिक है। मैंने अभी कहा था ना, वो अफ्रीकन प्रीचर हो, अमेरिकन प्रीचर हो, एशियन प्रीचर हो, अपना भारत का इंडियन प्रीचर हो, उनका फेवरेट टॉपिक होता है अंतिम दिन, और उसको
ऐसा बोलते हैं, ऐसा कहते हैं और ऐसा बताते हैं कि कलिसिया यीशु से कम इनके अंतिम दिनों के प्रचार से डरती है। बोला अरे बाप रे यीशु आ जाएगा, तो पहली सदी में क्या होता था? यही होता था। तो मैं हमेशा कहता हूं कि यीशु के पास आए हो तो किसी के डर से नहीं आना। यीशु को मैंने आपने इसलिए नहीं मानना है क्योंकि हमको डर है किसका? नरक का। हमको डर है किसका? छूट जाने का। हमको डर है किसका? एंटीक्राइस्ट का। हमको डर है किसका? कहीं हमारा नाम जीवन की पुस्तक से ना कट जाए। ना 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 ना, डर के चक्कर में प्रभु के पास नहीं आना है, क्योंकि बाइबल खुद कहती है कि हमको डर की नहीं परंतु स्वतंत्र परमेश्वर की सामर्थ की आत्मा दी है, प्रेम की आत्मा दी है। डर नहीं दिया ना साहब हमको यीशु में, डरा डरा कर मसीह के पीछे चलाने वालों की आज इतनी तादाद है कि डरो डरो डरो, देखो नरक है, देखो स्वर्ग नहीं जाओगे, देखो ऐसा। अरे बाप रे, डरा डरा कर किसका? प्रभु का नहीं, चीजों का। या मेरे प्रचार में आपको नरक का डर नहीं मिलेगा, प्रभु का डर मिलेगा। प्रभु से डरो ये प्रचार मिलेगा, प्रभु का काम करो ये प्रचार मिलेगा, यीशु के पीछे चलो ये प्रचार मिलेगा। तो फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया का मेन टॉपिक होता था अंतिम दिन, अंतिम दिन, अंतिम दिन, हर सदी, याद रखो एवरी सेंचुरी, उसके बाद दूसरी सदी यही टॉपिक, तीसरी सदी यही टॉपिक, दसवीं सदी यही टॉपिक, आज 21वीं सदी यही टॉपिक लिखा है। लेकिन दुख की बात यह है कि हर सदी में प्रचारक और भविष्यवक्ता लोग, बहुत ध्यान से देखना, लिखा है फेल 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 होते रहे। जबरदस्त इनकी प्रीचिंग फेल हुई है, मैं रिपीट करता हूं, जबरदस्त इनकी प्रीचिंग फेल हुई है। ऐसे ऐसे नमूने, ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे ऐसे विचित्र प्राणी आपके बीच में रखूंगा अभी, आइए रखते देखते कौन कौन है। अब ऐसे लोग जिनकी भविष्यवाणियां फेल होती रही हैं हर युग में, एरो देख लीजिए वहां पे। नाउ सबसे पहला जिसको कहते हैं 110 AD में जिसका नाम है एग्नियस, एक ऐसा व्यक्ति जिसने ये कहा था कि अंत के दिन परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया है। अंत का दिन जो है ना, वो परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया है। एक और व्यक्ति है 236 AD में, मतलब एडी का मतलब आप समझ गए, द ईयर ऑफ लॉर्ड यीशु के उठा लिए जाने के बाद 236 AD में, 236 AD में हिपोलियस ने यह कहा, आइए देखते क्या कहा। एक चर्च का यह प्रिस्त था, उसने कहा कि ठीक 500 साल के बाद, यहां से 500 साल के बाद यीशु आ जाएगा। तो 500 जोड़ने से क्या होगा, 736 की जब एडी चल रही थी तब यीशु आ जाएगा, ऐसा इसने कहा था। उसके बाद मार्टिन लूथर, आप जानते 15 AD में एक व्यक्ति जो जिसका जिक्र मैंने किया, ये कहते हैं कि बस यहां से 100 साल के बाद यीशु आ जाएगा, 100 साल के बाद। अब इसकी टोटल डिटेल आपको कहां से मिलेगी, विकिपीडिया, गूगल, वहां से निकाल लीजिएगा। उसके बाद ये व्यक्ति जिसको कहते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसका जन्म 14 सेंचुरी में हुआ आखिरी में, और 15 के अर्ली एडी में ये चल बसे, और ये स्टूडेंट थे किसके, लिखा है स्टूडेंट ऑफ द बाइबल प्रोफेसी, बाइबल प्रोफेसी के ये स्टूडेंट थे। तो ऐसी भविष्यवाणी इनके द्वारा भी आई, पुस्तकें भी आई, इसने कहा था कि देख लीजिएगा 1656 में, यानी कि 1656 AD में दुनिया खत्म हो जाएगी। इस व्यक्ति ने कहा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी, और जिसके चलते ऐसी बहुत सारी प्रोफेसी में से एक और रख रहा हूं जिसका नाम है जोसेफ स्मिथ, 1835 AD में इस महाशय ने क्या कहा। ये फाउंडर थे मोरमोनाइज के, एक ऐसी क्या कहते हैं कल्ट टीचिंग है, मोरमोनाइज्म एक कल्ट टीचिंग है, उसके ये फाउंडर थे। क्या कहा देखो, इसने कहा था अगले 56 वर्षों में ही यीशु आ जाएगा। दैट मींस इसमें 56 ऐड करिए तो हो जाते हैं 1891 AD में। तो इनके हिसाब से, ये महाशय के हिसाब से यीशु आ जाना चाहिए था 1891 में। लेकिन आपको पता है ये सब के सब, फिर रख रहा हूं, ये सब के सब पैदा हुए भविष्यवाणी की मर गए, पैदा हुए भविष्यवाणी की मर गए, पैदा हुए भविष्यवाणी की और मर गए।
इनमें से किसी के जीवन काल में यीशु नहीं आया। जितने जूम पर हैं आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं। ऐसा एक भी प्रोफेसी जिसमें से मैंने, अच्छा ये भी बताता चलूं कि जब मैं इनको खंगाल रहा था ना, जब इनकी स्टडी कर रहा था, आपको ताज्जुब होगा कि इनकी भरमार हजारों में, कितनी हजारों में, मैं थक गया इनको ढूंढ ढूंढ के, इनकी हिस्ट्री पढ़ पढ़ के मैं थक गया। गजब के लोग थे उन दिनों में, और अभी भी है, रखूंगा मैं इसको। और आपको याद होगा 2000 का कैलेंडर या 2000 का डेट कैलेंडर पे आने पर ही था पूरी दुनिया, अमेरिका, जापानीज, अफ्रीकन, भारत एक ऐसी चीज से जूझ रहा था या चर्चा कर रहा था जिसको कहते हैं Y2K। आपको पता होगा कि जितने भी कंप्यूटर के चिप हैं वो अचानक से पिघल जाएंगे। अब कंप्यूटर जो है ना 2001 का डेट नहीं दिखाएगा, मतलब 2000 का बाद का डेट नहीं दिखाएगा। ऐसा करते कितनी बातें, कितनी प्रोफेसी और न जाने क्या क्या चर्चाएं की थी, और जिसके चलते आप सभी जानते हैं कि 2000 चला गया, 2001 चला गया, अभी तो चल रहा है 2021। My goodness, अब आप सोचो इसको 21 साल बीत गए इसको लेकर। अब जरा आपके बीच में रखता हूं कि भारत में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है, भारत में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। अब आप लोग को डरना नहीं है, खास करके उन प्रचारकों, क्योंकि आपको डर लग रहा होगा कि डैनियल भाई हमारा फोटो और हमारी डिटेल डालेंगे। नहीं डाल रहा हूँ। मेरी इच्छा थी डालने की, क्योंकि कुछ नमूने, मैं रिपीट करता हूँ, गुस्सा बहुत है, कुछ नमूने अपने भारत में और खास करके अपने ही क्षेत्र से भी ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कहते हैं कि यीशु मसीह बस अभी अगले साल आ जाएगा, यीशु मसीह बस अभी सितंबर 23 को आ जाएगा। गजब है, 2 साल पहले तो एक आदमी है वो कहता है कि सितंबर को यीशु मसीह आने वाला है। कैन यू बिलीव दैट? उसको थोड़ा ऐसा आगे कर लो। या तो भारत में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है, और कई एक तो खुद मर गए, इसमें से कई लोग मर गए और कुछ भी अभी तक नहीं हुआ, कुछ भी, कुछ अभी मरने पर है। एक तो मर गए और कुछ अभी मरने पर है जिन्होंने ऐसी प्रोफेसी की है, अभी कुछ प्रोफेसियां की है वो नहीं रहे और कुछ अभी मरने पर है, आधी क्या बोलते ना कब्र पे लटकी एक पैर। वाह, जिस चीज के लिए मना किया है या जिसको प्रभु ने कहा नहीं करना उसी को करते साहब ये लोग। और परमेश्वर बैठा ऊपर कहता चेला कब बनाओगे, मैं रखूंगा उसको आज, चेला कब बनाओगे, नहीं उसको और थोड़ा ऐसा करो, चेला कब बनाओगे, प्रभु के राज्य में कब लाओगे, ये सारी बातें नहीं करते हैं ये लोग, ये उस पर फोकस नहीं करते हैं। दिक्कत यही है, है ना। तो वापस कहता हूं कि अपने भारत में भी ऐसे लोग हैं, कई एक तो मर गए और कुछ अभी मरने पर है। ना अंत के दिनों की बहुत सी भविष्यवाणियां फेल होती आ रही हैं, और जिसके चलते नीचे मैंने लिखा है अब आपको होशियार रहने की जरूरत है, आपको होशियार रहने की जरूरत है। जानते हो व्यवस्था विवरण उसका 18 का 21 क्या कहता है, यदि तू अपने मन में कहे, कौन इज़राइलियों को कह रहा है कि यदि तू अपने मन में कहे कि जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने। जिसके चलते मैंने लिखा कि बहुत सारी भविष्यवाणियां फेल हुई हैं, निकम्मी ठहरी है, मतलब सक्सेस नहीं हुई। तो ऐसों को जब आप उनके बीच में रहते हो तो मैंने लिखा कि होशियार रहिएगा, कैसे पहचाने पास्टर डैनियल, इनको कैसे पहचाने। तो वचन 22 कहता है तो पहचान यहां है, कौन कह रहा है, प्रभु कह रहा है कि पहचान यहां है कि जब कोई नबी, तब का, अब का, कब का, यदि कोई नबी ये यहोवा के नाम से कुछ कहे तब यदि वह वचन ना घटे, मतलब पूरा ना हो लिख लीजिए पूरा ना हो, तो वो वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं है, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमानी करके कही है। अभिमानी का मतलब है घमंड हो गया, घमंड का मतलब है शैतान है अंदर। जिसके चलते उसने कही है तो उससे भय नहीं खाना, वो चाहे कल आ गया यीशु, परसों आएगा यीशु, अब देखो अगले हफ्ते आएगा, ऐसों से तुझे डरना नहीं है।
वचन 20 मैंने जानबूझ के उसको नीचे रखा है, मतलब 21 के पहले वाला यहां रखा है। लिखता है, परंतु जो नबी अभिमानी करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने नहीं दी उसे या उसको नहीं कहा, वह पराए देवताओं के नाम से कुछ कहे, बहुत ध्यान से देखना, वह नबी मार डाला जाए। अरे रे 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 रे, उस नबी का कत्ल कर देना। कौन कह रहा है? परमेश्वर। किसको कह रहा है? मूसा को। अब इसको देख लीजिए, ये फोटो देख लीजिए आप लोग, ये फोटो देख लीजिए दोस्तों। अब आप सभी जानते हैं कि ये फोटो कौन सा है, ये क्या है, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। उस तरफ है ट्रंप साहब, जो कि एक्स प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। अब इसको कहते हैं जो बाइडेन, ये वाला आदमी, और जिसके चलते इन पे प्रोफेसी की गई थी तो कई भविष्यवाणियां फेल हो गई इसके ऊपर, माफ करें, ट्रंप के ऊपर। कहते थे, हाँ इसको भी डाल देते हैं ना, कहते हैं कि ट्रंप ही अगला प्रेसिडेंट रहेगा, जो बाइडेन नहीं जीतेगा। लेकिन पता चला कि जो बाइडेन जीत गया और ट्रंप हार गया। और आपको पता है, मैं रख सकता था उनका फोटो, मैं रख सकता था उनका नाम, और कुछ तो अपने भारत से भी हैं। अब आप सोच के देखिए, जितने जूम पर हैं, फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 1300 या 1400 लोग अभी आसपास में जुड़ गए हैं। आप सभी को कहना चाहता हूं कि कैसी प्रोफेसी के नाम पे, यहोवा के नाम पे, ऑलमाइटी गॉड के नाम पे, जीसस के नाम पे, बहुत नेशनल और इंटरनेशनल, जिनका जिनकी लेवल बहुत ऊंची है, जिनका रुतबा बहुत ऊंचा, जिन जो बहुत फेमस है, मैं बता रहा हूं, ऐसे लोग, मैं फोटो नहीं रखा, ऐसे लोगों ने प्रोफेसी की थी कि जो बाइडेन नहीं जीतेगा, ट्रंप विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट और द सेम प्रेसिडेंट, लेकिन फेल हो गया साहब। इसके चलते लिखा है कि कई भविष्यवाणियां फेल हो गए। अब मैं जब उनका YouTube देख रहा था, मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा था, और मैं साथ ही साथ ये भी सोच रहा था, Zoom के लोगों, आप लोग भी सुनिए, मैं ये सोच रहा था कि प्रभु, अगर ऐसा प्रॉफिट इनका है जो यहां फेल हो गया, तो इनके जो चर्च के फॉलोवर्स है उनका क्या होता होगा। अब आप सोचो कि उनको कौन सा स्पिरिट लीड कर रहा था, उनके अंदर कौन सी स्पिरिट थी जो काम कर रही थी, सोच के देखिए। वाह, एक व्यक्ति है वो कहता है, अगर ऐसा नहीं हुआ, मैं परमेश्वर का झूठा सेवक, मुझे पत्थर से मार देना, ये तक बोला, बस अभी उसको पत्थर से मारने की देरी है ना। ऐसे कुछ लोग हैं जो जानते कुछ नहीं है, लेकिन बकवास पे बकवास करते हैं। रख रहा हूं एक कॉन्सेप्ट रख रहा हूं। सबसे पहले ये फोटो देख लीजिए, ये है पत्रस, याकूब, यूहन्ना, तीन परमेश्वर के चेले, यीशु के चेले, पत्रस, याकूब, यूहन्ना। आप बीच में देख सकते हैं यीशु है, जो कि रोशनीदार, ऐसा लिखा है कि ऐसा सफेद कपड़ा के कोई धोबी नहीं धो सकता, और एक तरफ है मूसा और दूसरी तरफ है एलिया। ऐसा लिखा है लूका 9:33 में कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो लिखा है कि जब वे उसके पास से जाने लगे, कौन? दो पुरुष, एलिया और मूसा, जाने लगे तो पत्रस, जो अभी जस्ट फ्रेश, क्योंकि मैंने पढ़ा है, 28 से मैं पढ़ते आ रहा हूं, मैंने पढ़ा है इसलिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो पत्रस अभी फ्रेश उठा नींद से, क्योंकि भयंकर नींद में थे। यीशु मसीह बोले पहाड़ पे चलते प्रार्थना करने के लिए, यीशु तो लगे थे प्रार्थना में लेकिन तीनों सो रहे थे। तो अभी जस्ट नींद से उठे तो पत्रस ने यीशु से कहा, क्या कहा, देखो लिखा है, हे स्वामी, हमारा यहां रहना भला है, हम यहां रह सकते हैं। फिर कहता है, तो हम तीन मंडप समझते हैं, हम यहां पे तीन टबरनैकल बनाते हैं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। तो इसका मतलब है कि जो यीशु का लेवल है, यीशु के लेवल पे रखते हैं, और वही लेवल पे मूसा को रखते हैं, और उसी लेवल पे जो यीशु का है, एलिया को रखते हैं। तो इसका मतलब है कि तीनों का टबरनैकल बनाते हैं और तीनों को रखते हैं एक साथ में, और कहता है कि तीनों को, अरे क्या महिमा है, अरे क्या अद्भुत है। सोचो, अगर पत्रस को पवित्र आत्मा ने उस दिन बत्ती नहीं जलाई होती ना, मैं एक डंकी की चोट पर बोलता हूं कि ये एलिया को और मूसा को यीशु के साथ ही खड़ा रख देता जिंदगी भर, मूसा को और एलिया को ना। अब इंटरेस्टिंग पार्ट दे रहा हूं, ये खुद लूक कहता है पत्रस के बारे में, कहता है कि जो ये कह रहा था ना, लिखा है वह जानता ना था कि क्या कह रहा है,
उसको पता ही नहीं है कि वो मुंह से क्या बोल रहा है। ये तो ऐसा हुआ जैसा यीशु ने पूछा था, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। पतरस ने कहा तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर यीशु ने बोला वेरी गुड, तुझे पवित्र आत्मा ने बताया, मतलब मेरी परमेश्वर की आत्मा ने बताया। लेकिन जैसे यीशु ने कहा कि मेरा क्रूस पे जा मरना, दुख उठाना, यरूशलेम में जाकर, उसने कहा कि ऐसा होने नहीं दूंगा, तो यीशु पलट कर बोलता है कि हे शैतान दूर हो जा। अब आप सोच के देखो, ये ऐसी बातें जिसको कहता है कि वो जानता नहीं था कि क्या कह रहा है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, मेरा प्रचार आप लोग पसंद करते हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, लेकिन अगर इस स्टेटमेंट से आप नहीं समझे तो गई भैंस पानी में। वापस कहता हूं, ऐसे किसी मूर्ख टीचर को, प्रीचर को, वो देसी हो या विदेशी हो, जिसको पता ही नहीं है कि वो क्या कह रहा है, उसकी बकवास की पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके बकवास की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, और ऐसा किसी प्रकार का उसका टीचिंग की सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन से बड़ा कोई नहीं है। मैंने इसलिए पहले क्या कहा कि डैनियल राज ऐसा कोई टिप्पणी किसी का, किसी व्यक्ति का, बहुत फेमस है अलाना फलाना, मैं उसको नहीं लाऊंगा, मैं उसको नहीं लाऊंगा। और आप लोगों को क्या लगता है, जो लाते हैं ना किसी को अपने प्रोग्राम पे रख के, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जूम पे, कि आप क्या कहते हैं अंत के दिनों में, मैं नहीं ला सकता मैं तुमसे बेहतर ला सकता हूं। तो जो लाते हैं ना, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं कि मैं तुमसे बेहतर ला सकता हूं। और अगर मैंने ला दिया देश और विदेश में, अमेरिका से, अफ्रीका से, भारत से, ऐसे कितने मैन ऑफ गॉड है भारत में, अगर लाकर यहां रखूं तो मैं समझता हूं कि यूट्यूब पर तो मुझे एक चार पांच हफ्ते में ही 5,00,000 क्रॉस हो जाएंगे मेरे व्यूअर्स या फिर जो मुझे देखते हैं। ये नहीं करना है ना साहब, किसी की टिप्पणी नहीं चाहिए, किसी का बकवास नहीं चाहिए, वचन क्या कहता है वो चाहिए। तो लिखा है पतरस खुद कहता है वो जानता नहीं है कि वो क्या कह रहा है। जब उसको पता ही नहीं है वो क्या कह रहा है, ये लूक कहता है इसको नहीं पता ये क्या कह रहा है, तो जिसको खुद नहीं पता उसको हम स्टेटमेंट कैसे मान लें उसको स्टेटमेंट कैसे मान ले। वो तो शुक्र है कि इसने बिना पूछे, अगर पूछा तो अच्छी बात है, नहीं तो मंडप बना देता, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और यीशु के लिए। अब प्रश्न उठता है, अब एक प्रश्न आपके बीच में रख रहा हूं, या बहुत ध्यान से सुनेगा, क्या अंत के दिनों की या उसके बारे में पास्टर डैनियल क्या नॉलेज नहीं होना चाहिए ? बिल्कुल होना चाहिए, मैं रिपीट करता हूं, बिल्कुल होना चाहिए। आपको परमेश्वर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अंत के दिनों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, आपको यीशु की एक एक बातों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो जिसके चलते मैंने रखा है कि जितना सेल्वेशन, बैप्टिसम, होली स्पिरिट और भी कई बुनियादी शिक्षाओं को की जरूरत है ना, जैसे होती है, उन सब का नॉलेज आपको रखना है, वैसे ही अंत के दिनों का भी नॉलेज होना चाहिए, अंत के दिनों का भी। तो आपको अंत के दिनों का नॉलेज होना चाहिए। अब कहते हैं लेकिन कुछ बातें अंत के दिनों को लेकर, कुछ बातें आपको समझनी होगी अंत के दिनों को लेकर। वो कौन सी बातें हैं? टोटल 7। कितनी? 7, टोटल 7। तो उसको मिक्स मत किया करो। मैं जिसको भी सुनता हूं देश विदेश से, सबसे ज्यादा गड़बड़, और वहीं चैप्टर खत्म हो जाता है, मैं वहीं पे बंद कर देता हूं उनको, मुझे वहीं पे माथा खराब हो जाता है, यार क्या कर रहा है। तो टोटल 7 बातों को लिखा है मिक्स मत करो। जिस जिसका जो टाइम है उस टाइम पे होगा। टबरनेकल का टाइम था, खत्म हो गया। कलीसिया का टाइम है, चल रहा है। मूसा का टाइम था, खत्म हो गया। यीशु का टाइम है, चल रहा है। व्यवस्था का टाइम था, खत्म हो गया। अनुग्रह का टाइम है, चल रहा है। वैसे आपको लेकर चलना है, यहां तक कि मैं ये भी कहता चलूं, क्योंकि कुछ बुद्धिजीव लोग हैं जो गड़बड़ करते हैं, व्यवस्था का एक भी रिचुअल, फंक्शन, एक्टिविटीज आपको अभी अनुग्रह के युग में, वाचा के लहू में, कलीसिया जो यीशु के, उसमें नहीं 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 करना है। वो वक्त था, खत्म हो गया। अब यीशु का वक्त है, अब नए नियम का और पौलुस की बातों का लेके चलने का वक्त है। तो वापस आता हूं अपने टॉपिक के ऊपर, क्योंकि वक्त का भी ख्याल रखना है। अंत के दिनों को लेकर किसी प्रकार का आपको 7 बातों को लेकर मिक्स नहीं करना है। मैं रिपीट करता हूं, नहीं करना है ना। सबसे पहला, 7 में सबसे पहला, वो दिन कब आएगा जिसको यीशु का गुप्त आगमन कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं प्री रैप्चर, नॉट मिड, नॉट पोस्ट, बट प्री रैप्चर, मतलब सताव के पहले। इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं, इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं। अगर कोई मूर्ख ऐसा कहता है कि रैप्चर प्री नहीं है, मिड है, ओपन चैलेंज है, बाइबल से निकाल के बता दे।
कि वो मिड है, साथ ही साथ पोस्ट है, निकाल के बता दे। आप जितने भी वचन को निकालोगे, जितने भी वचन को पढ़ोगे, आपको वचन का झलक, कहते हैं ना समझदार को इशारा काफी है, आपको प्री रैप्चर, प्री रैप्चर, प्री रैप्चर ही मिलेगा, आपको मिड और पोस्ट नहीं मिलेगा। तो वापस आता हूं, सबसे पहले वो दिन कब आएगा, कुछ लोग जानना चाहते कब आएगा, जिसको यीशु का गुप्त आगमन कहते हैं। और याद रखो ये इसराइलियों के लिए नहीं होगा, अन्य जातियों के लिए माफ करें, पूरे जगत को दिखाई देने वाला नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ, जिसको मैं आखिरी में रखूंगा, आखिरी में, ये सिर्फ ऐसी दुल्हन, ऐसी एकलेसिया, ऐसी कलीसिया जो यीशु के पीछे चलती है, तीन कारणों से, मैं उसको भी रखूंगा, उसको लेने कब आएगा, तो इसका टाइम लिमिट अलग है, ये एक। दूसरा, एंटीक्राइस्ट का प्रकट होना। तीसरा, 7 साल का महाक्लेश या 7 साल का एंटीक्राइस्ट का राज्य, 3.5, 3.5 आप जानते हैं। चौथा, 3.5 साल का महाक्लेश ऑन लेफ्ट लेफ्ट आउट चर्चेस, मतलब ये महाक्लेश किसके लिए है, ऐसी कलीसिया जो छूट जाएगी, शांति का 3.5, क्लेश का 3.5, टोटल 7 साल। पांचवा, स्टैंप ऑफ 666, मतलब 666 का छापा, उसके ऊपर बातें होती है। छठवा, 2 विटनेसेस, आप जानते हैं, 2 गवाह। और ये रहा 7वां, जिसको मैंने लाल में रखा है, यीशु का बादलों पर आना सार्वजनिक, जिसको कहते हैं पब्लिक, जिसको सब देखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय वचन 7, 8, 9, 10 तक में, हर आंख देखेगी, छाती पीटेगी, याद आ गया, ये वो है। तो लिखा है इन सबको अलग अलग देखना होगा, प्री रैप्चर अलग देखना होगा, एंटीक्राइस्ट का प्रकट होना अलग देखना होगा, 7 साल का एंटीक्राइस्ट का राज्य अलग देखना होगा, महाक्लेश का राज्य जो छूट गया, कलीसिया छूट गई, उसके ऊपर जो बीतेगा उसको अलग देखना होगा, स्टैंप ऑफ 666 उसको अलग देखना होगा, 2 विटनेसेस उसको अलग देखना होगा, यीशु का बादलों पर आना अलग देखना होगा। वाह, तो इन टोटल 7ों को, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, लेकिन 7 काफी है, जो मेजर है ना वो रखा है मैंने। तो प्री रैप्चर एंटीक्राइस्ट, 7 साल का एंटीक्राइस्ट राज, 3.5 साल का महाक्लेश, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, स्टैंप ऑफ 666, 2 विटनेसेस, और यीशु का बादलों पर सार्वजनिक आना, लास्ट का रख सकता था 8वां, आर्मगेडन बैटल 9वां रख सकता था, लूसीफर का डाला जाना ये भी रख सकता था, बट मैं समझता हूं कि ये यहां तक ठीक है, यीशु का बादलों पर आना टोटल 7। इसको मिक्स नहीं करना, नंबर 1 वापस रख रहा हूं, इसको मिक्स नहीं करना, देख लो किधर गया। इसको मिक्स नहीं करना, मिक्स नहीं करना, सबका अपना अपना टाइम है, एक के बाद एक होगा, एक साथ नहीं होगा। तो प्रचारकों को यह समझना होगा कि जब प्री रैप्चर यहां चला गया है, कलीसिया यहां पे नहीं है, तो उसको यहां की टीचिंग क्यों दे रहे हो, 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 नहीं है ना साहब। और साथ ही साथ जितने अभी जूम पे, फेसबुक और यूट्यूब पे आप लोग जो मुझे अभी सुन रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं, मेरी एक भी स्टडी, मेरा एक भी स्टेटमेंट विदाउट स्टडी नहीं होता है। मैं इंटरप्रेट जो किए गए उसको स्टडी करता हूं, लैंग्वेज को स्टडी करता हूं, हिस्ट्री को स्टडी करता हूं, क्रिटिक्स को स्टडी करता हूं, कॉमेंट्रीज को स्टडी करता हूं, उसके बाद आपके बीच में आता हूं। और इसलिए डंके की चोट पर बोलता हूं कि जिसको 18 पता है 17 मत सिखाया करो, 19 सिखाओ, बैठ के सीखूंगा। तो वापस कहता हूं कि इसको मिक्स मत करो, इसको अलग अलग रखो, और ये सब अलग अलग घटनाएं हैं। यीशु पहले आया, सही बात है, जब यीशु था तो पवित्र आत्मा की टीचिंग नहीं देते ना, पवित्र आत्मा आ चुके हैं तो पवित्र आत्मा की टीचिंग होगी। वैसे ही कलीसिया नहीं थी तो यीशु खुद ही कलीसिया बनकर घूमते थे, तो वो सब उसके पीछे चलते थे। अभी कलीसिया का कॉन्सेप्ट है, तो कलीसिया की बात करेंगे तो हर एक का अपना अपना टाइम है। नाउ इन सभी को अलग अलग देखना होगा, मिक्स मत करो, ये 7ों बातों को मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन इन 7ों पॉइंटों में से सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मैं उसके ऊपर आ रहा हूं, तो एक ही है, उसी के ऊपर आऊंगा, और वहां है यीशु का आना, यीशु का आना, दैट्स इट। और कौन सा आना, पहला वाला, किसके लिए, कलीसिया के लिए, साथ ही साथ में यीशु की कलीसिया, दुल्हन जो यहां पृथ्वी पे अभी है उसको लेने आ रहा है, तो उसी पे आपका फोकस होना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं उन सभी प्रीचरों से, मैं रिक्वेस्ट करता हूं उन सभी बाइबल टीचरों से जो किताबें लिखते अंत के बारे में या वीडियोस बनाते यूट्यूब के ऊपर, मैं उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो, क्योंकि मैं वचन रख रहा हूं, इस पे फोकस करो, अंत के दिनों को लेकर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए, एक ही को फोकस करना चाहिए, और वो है यीशु, एक ही फोकस, नॉट एंटीक्राइस्ट, नॉट 666, नॉट एनीथिंग, सिर्फ एक ही,
कैसे पास्टर डैनियल? अभी बताता हूं। तो गजब का रेवलेशन, गजब का प्रकाशन आपके बीच में रख रहा हूं, जो कि आप देख सकते हैं। जीसस क्राइस्ट ट्रांसफिगरेशन मतलब यीशु का रूपांतरण आप देख सकते हैं। यीशु बीच में, जिसको बहुत बारीकी से दिख रहा होगा क्योंकि बहुत लाइट है, तो मैंने आपके लिए उसको अलग फोटो को हाईलाइट करके या जूम करके आपके लिए रखा है ताकि आप देख सकते हैं। एक तरफ है मूसा और उस तरफ में है एलिया और बीच में है यीशु, और ऊपर से आवाज आई। वाह, ऊपर से आवाज आई। लूका की किताब 9वां अध्याय वचन 35 क्या कहता है? उस बादलों में से या बादल में से यह शब्द निकला। किसका? यहोवा का। किसका? परमेश्वर पिता का। किसका? वो ऑलमाइटी गॉड का, थियोस का। कहता है शब्द निकला कि यह, नॉट दिस नॉट दैट, कौन? यीशु। यह मेरा पुत्र है, मेरा चुना हुआ है, इसी की सुनो। दूसरे शब्दों में मूसा की मत सुनो, एलिया की मत सुनो। तो सेंटर कौन है, फोकस कौन है बताइए? अंत के दिनों का फोकस कौन है? यीशु। किसको प्रीच करना है? यीशु। किसका वेट करना है? यीशु। कलीसिया को क्या सिखाना है? यीशु। क्या आएगा? यीशु। लेकिन क्या सिखा रहे हैं? रख रहा हूं ये सब सिखा रहे हैं। कहते हैं प्री रैप्चर, मतलब वो तो हम चले जाएंगे, फिर एंटी क्राइस्ट, फिर 7 साल का महाक्लेश कैसे आएगा, 3.5 साल का क्लेश कैसे भयंकर होगा, फिर एंटी क्राइस्ट का राज्य कैसे होगा, फिर 2 विटनेसेस आएंगे, फिर बादलों के ऊपर यीशु आएगा। भाई मेरे, ये सारी चीजें आपके लिए नहीं है, क्योंकि कलिसिया यहां पे ही नहीं है, खत्म, यहां पे उठा ली गई है। ये देखो, यहां पे उठा ली गई है। जूम के लोगों कैसे लग रहा है? आप यहां उठा लिए गए, मैं उसके ऊपर जोर से आऊंगा बाद में, लेकिन आगे बढ़ता हूं। तो फोकस कौन है? यीशु। प्रचार किसका करना है? यीशु का। जीसस क्राइस्ट यहां पे रूपांतरित हो गए, जिसको कहते हैं ट्रांसफिगरेशन। यीशु मसीह का रूपांतरण हो गया, आप देख सकते हैं ऊपर से ये आवाज आई, इसी की सुनो। तो यहां पे फोकस कौन है? इसलिए तो लिखा है, यहां पे फोकस कौन है? यीशु। प्रीचर का फोकस कौन होना चाहिए? यीशु। बाइबल टीचर का फोकस कौन होना चाहिए? यीशु। जो 1500 से 1600 सालों में 40 लोगों ने 66 किताबें लिखी, जिसको कहते हैं बाइबल, द वन बुक, उसका भी सेंटर कौन है? यीशु। अब बताइए, और जिसको तीतुस क्या कहता, देखो मैं एक एक करके रख रहा हूं, वक्त का भी ख्याल रखूंगा। तीतुस क्या कहता, देखो लिखा है 11 से 13 तक में, टाइटस चैप्टर 2 वर्स 11 टू 13 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है, जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। ऑफकोर्स आगे कहता है, हम और हमें चिताता है, मतलब हमको एहसास दिलाता है, हमको चिताता है, एहसास दिलाता है कि हम अभक्ति, संसारिक, मतलब संसार की बातें, अभिलाषाओं से मन फेर कर, जरा देखिएगा, इस युग में, मतलब इस प्लेनेट में, इस युग में संयम, धर्म, भक्ति के साथ जीवन बिताएं। और लिखा है, इसको मैंने ब्रैकेट किया, अंडरलाइन किया, माफ करें, लिखा है उस धन्य आशा। कौन सी आशा है? बता रहा हूं, एंटीक्राइस्ट की आशा नहीं, उसका स्टैम्प की आशा नहीं, आइए बताता हूं किसके। लिखा है उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की, लिखा है, महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। तो ये धन्य आशा क्या है? एक दिन यीशु आएगा, कलीसिया को तैयार करो, एक दिन यीशु आएगा। टीचिंग किसकी देनी है? यीशु की। किसका, किसको सिखाना है? यीशु को। किसको सेंटर करना है? यीशु को। किसको फोकस करना है? यीशु को। तीतुस का 14 क्या कहता है? 2 का 14, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, किसने? यीशु ने, कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले कामों के लिए सरगर्म हो। अब इसको देखो, तीतुस 2:15 पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे। कौन सा अधिकार? ये जो मैं भी बता रहा हूं, लिखा है पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा, सिखाता रहा कोई तुझे तुच्छ ना जानने पर। इसका मतलब है, अगर तू नहीं सिखाएगा तो तू तुच्छ है, जिसको कहते हैं सबसे नीचे आ गया तू। अगर तू सिखा रहा है तो तू धन्य है। तो जिसके चलते मैं आपको अभी बताता चलो, आपका टिक टिक, आपका थम, आपका वो सब चलता रहे, आपका कमेंट चलता रहे, ठीक है ना? फेसबुक, यूट्यूब पे भी रखा है मैंने चैट करने वाला सिलसिला। सुनिए, मुझको क्या सिखाना है? देखो लिखा है ना, पूरे अधिकार के साथ ये बातें का, समझा सिखाता रहा
कोई तुझे तुच्छ ना जाने, नहीं सिखाएगा तो तुच्छ, सिखाएगा तो धन्य। क्या सिखाना है कलीसिया, क्या सिखाना है? जितने भी अंत के दिनों की बातें करते हैं आप लोगों को क्या सिखाना है? आपको यीशु को सिखाना है। यीशु पे फोकस करो, एंटीक्राइस्ट पे नहीं। यीशु पे फोकस करो, 666 पे नहीं। यीशु पे फोकस करो, नरक पे नहीं। यीशु पे फोकस करो, इसराइलियों के लिए जो यीशु आएगा उसके लिए नहीं। वो आएगा तो आएगा, हम भी तो साथ में रहेंगे ना, क्या बात है। इधर हमको ए नहीं समझ आ रही है, कहते आओ जेड सीखते हैं। हमको मत ही नहीं समझ में आ रही है, कहते आओ प्रकाशित वाक्य सीखते हैं। पहला जिसको सिखाना है उसको सिखाओ। कितनी बार बोलता हूं, फिलिप्पियों 3:20 देखो क्या लिखा है, पर हमारा स्वदेशी स्वर्ग पर है। क्या लिखा है? पर हमारा स्वदेशी स्वर्ग पर है और हम बड़ा मजा आएगा, लिखा है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे हैं। कहां से? वहां से। कहां से? स्वर्ग से। तो हम सबका एक स्वदेशी स्वर्ग में है, एक ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में, हम उसकी वहां से आने का इंतजार कर रहे हैं, एंटीक्राइस्ट का इंतजार नहीं। वाह, कुछ लोग कहते हैं मेरा पास्टर ने क्या टीचिंग दिया, भोला किसका? एंटीक्राइस्ट का, डब्बे में डाल। फिर कहते हैं 666 का, बीच में अभी किसी ने मेरे को वीडियो भेजा था कि जूते में एंटीक्राइस्ट का स्टैंप है, जूते में एंटीक्राइस्ट का कुछ कनेक्शन डाल के डाला था। क्या करना है भाई तेरे को? वो जूते में, नाइकी में, जूते का जो नाइकी कंपनी है उसमें एंटीक्राइस्ट का कुछ आता है, और जो पीछे क्या बोलते हैं उसको, बारकोड, वो जो आता है ना बारकोड, उसमें भी एंटीक्राइस्ट है। कंप्यूटर का जो स्पेलिंग है ना उसको भी कैलकुलेट करेंगे तो 666 निकलता है। ये दुनिया भर का दिमाग उस पर डालते हैं बजाय इसकी जो वहां से आने वाला है। पास्टर डैनियल, नॉलेज के लिए ठीक है ना, तो रखो ना नॉलेज के लिए। मैंने कब मना किया? मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूं नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन पूरा माथा उसी में घुसा रहे हो, आपकी पूरी टीचिंग उसी में घुसा रहे हो, आपके पूरे चर्च को उसी में घुसा रहे हो, और तुम खुद भी उसमें घुसे हुए मूर्खों, तुम खुद भी उसमें घुसे हुए हो। और क्या नहीं सिखा रहे हो? गुस्सा क्यों है डैनियल भाई को, राज को गुस्सा क्यों है? क्योंकि यीशु, मजा आएगा। एक भाई से कल बात हो रही थी, शायद वो अभी जूम पे देख रहे होंगे, पंजाब से हैं वो कह रहे थे, कल बात करते करते कह रहे थे कि पास्टर डैनियल क्रिश्चियंस बहुत हो रहे हैं लेकिन यीशु के चेले जिसको कहते हैं ना ट्रू क्रिश्चियन वो नहीं है। तो आज तादाद किसकी है? क्रिश्चियनों की बहुत भरमार है। रिलीजियस हम क्या बन रहे हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम वो बन रहे हैं। बोला कौन है क्रिश्चियन हो? कैसे? देखो गले में क्रॉस है। बोला कौन है क्रिश्चियन हो? बोला कैसे? बोला चर्च जाता हूं संडे संडे। बोला कौन है? बोला क्रिश्चियन है। बोला कैसे? बोला नाम है माइकल फर्नांडिस डिसूजा रोजी सोजी, अब क्या दुनिया भर का क्रिश्चियन नाम है। वाह, अब आप मुझे बताओ, तो हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? क्रिश्चियनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। यीशु क्या चाहता है? योग्य संतान। यीशु क्या चाहता है? अपनी कलीसिया। यीशु क्या चाहता है? अपनी दुल्हन। यीशु क्या चाहता है? अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, सलमान, सलीम, ऐसे लोग। यीशु ने कभी नहीं का धर्म बदलो, यीशु ने कभी नहीं का कपड़े बदलो, यीशु ने कभी नहीं का सरनेम रखो आपका इसका उसका, ना 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 ना। आप जिस जाति धर्म का सरनेम कपड़ा आपका खाना आप जैसे हैं, बस क्या बदलना चाहिए? सच्चा परमेश्वर को पहचान कर रास्ता बदलना है, रास्ता, दैट्स इट। तो लिखा है वहां से आने की बात जो रहे हैं। अब इसको देखो, दूसरा कुरिन्थ, पहला कुरिन्थ 1:7, फर्स्ट कुरिन्थ 1:7 कहता है यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं हुई, नहीं हुई, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बात जोते हो। अब इसको देखो, पहला थिस्सलुनीकियों 1:10 में लिखा उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बात जोते रहो जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु को जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। अब इसको देखो, योन्ना 1:21 में कहता है अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। ये फर्स्ट योन्ना है, पहला योन्ना, नॉट योन्ना, पहला योन्ना, 1 John 1:21, ठीक है ना। Now, आजकल क्या चल रहा है मैं वो भी बता देता हूं। तो इसका मतलब है कि इस वचन से साबित होता है कि यीशु हमारा फोकस है, एंटीक्राइस्ट नहीं, नरक नहीं, उसका स्टैंप नहीं, उसके पीछे अपना माथा डालना बंद करो, यीशु की स्टडी ले लो, ठीक है ना। लेकिन आज 90% प्रचारकों का फेवरेट टॉपिक है एंटीक्राइस्ट, 666 जिसको कहते हैं, एंड टाइम प्रोफेसिस, और फिर वन गवर्नमेंट, इस पे फोकस है।
इस पे फोकस है लोगों का, किसका, 90% प्रचारकों का, 90% प्रचारकों का। वाह, जरा सोच के देखें। अच्छा, वहां पे 1000 हो गए और यहां पे वाह, कम से कम 1200 लोग अभी लाइव हैं हमारे साथ। 1200 पीपल आर वॉचिंग राइट नाउ। मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे ही हर संडे अद्भुत अद्भुत टॉपिक प्रकाशन के साथ आपके बीच में मसीह मंथन हिंदी ऑनलाइन चर्च यानी कि डैनियल राज आता रहेगा। तो 7 to 9 डोंट मिस इट। वापस रखता हूं, लिखा है आज 90% प्रचारकों का फेवरेट टॉपिक है एंटी क्राइस्ट ब्रैकेट में 666 एंड टाइम प्रोफेसी और वन गवर्नमेंट। ऐसी ऐसी किताबें लाते हैं, ऐसी ऐसी यूट्यूब पे टीचिंग लाते, मेरे मुंह तक आ रहा है उस आदमी का नाम, ऐसे 2-3 दर्जन लोग हैं यहां तक आ रहा है लेकिन नहीं ले रहा हूं। जबकि अन्य जातियों के लिए अंतिम दिनों का प्रचार होना चाहिए। कैसे, कुछ ऐसे अन्य जातियों के लिए। दूसरा पत्रस 3:1-15 मैं रख रहा हूं, लिखा है हे प्रियो, अब हम तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूं, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूं, दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हें शुद्ध मन को उभारता हूं। वचन 2 कि तुम इन उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। वचन 3 यह पहले जान लो, बहुत ध्यान से सुनना, कि यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये लोग कौन है, अविश्वासी। मैंने टॉपिक क्या रखा, रख रहा हूं अन्य जाति को सुनाओ, एंटी क्राइस्ट आएगा अन्य जाति को सुनाओ, एंटी क्राइस्ट का राज जाएगा अन्य जाति को सुनाओ। वीडियो उस पर बनाओ ना, विश्वासियों को क्यों सुनाते हो, विश्वासियों को जो सिखाना है वो नहीं सिखाते, अन्य जातियों को जो सिखाना है वो विश्वासियों को सिखाते। जो खाना बच्चे को खिलाना है वो खाना तुम बड़े को खिलाते हो, जो खाना बड़े को खिलाना नहीं है वो उठाकर बच्चे का खाना बड़े को खिला रहे हो, गड़बड़। तो अन्य जातियों के लिए यह प्रचार है, जिसके चलते पौलुस क्या कहता है, माफ करे पत्रस क्या कहता है, यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई, क्योंकि अब से बाप दादा सो गए, सो सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ में था, मतलब सब कुछ तो ठीक चल रहा है। वचन 5 वे तो जानबूझ कर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है, पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। वचन 6 उन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया, नूहा के टाइम की बात कर रहा है। वचन 7 पर वर्तमान काल की आकाश, अभी की आकाश, अभी का आकाश, वर्तमान काल का आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं के जलाए जाएंगे। ऊपर देख लो, उसको जलाया जाएगा, तब डुबाया था अब जलाया जाएगा। तो रखा है, जानबूझ के रखा है, ये नाश नहीं होगा, माय गुडनेस, ये नाश नहीं होगा, ये रहेगा। कुछ मूर्ख लोग कहते हैं ये खत्म हो जाएगा ऊपर से, अरे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जल जाएगा, ठीक है ना, जलाया जाएगा। और लिखा है भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने वाले के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। वचन 8 हे प्रियो, ये बात तुम से छिपी ना रहे कि प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। वचन 9 प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरना यह कि सबको मन फिराव का मौका मिले। अब आया कॉन्टेक्स्ट समझ में, अविश्वासी, अब इसको ध्यान दीजिएगा। वचन 10 परंतु प्रभु का दिन चोर की नहीं आ जाएगा। किसको कहना है, किसको कहना है कि प्रभु का दिन चोर की ना आएगा, क्योंकि जो प्रभु का है, पौलुस कहता है, उसको तो प्रभु बिना जाने, क्योंकि हम अंधकार के संतान नहीं है ना कि हमको नहीं पता चले, हम तो ज्योति के संतान है, हमको तो प्रभु बताकर आएगा। और यही तो लिखा है योना किताब 15:14-15 में कि उसने हमको अपना दोस्त बोला, ही कॉल्ड अस फ्रेंड नॉट स्लेव, वो हमको दोस्त बुलाता है। वचन 10 परंतु प्रभु का दिन चोर की नहीं आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी उस पर के काम जल जाएंगे। वचन 11 तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पवित्र चाल चलन भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से होना चाहिए और जिसके चलते आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए। जरा देखिएगा, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगी, आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। वचन 13 पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम पर
हम एक नए आकाश, एक नई पृथ्वी, 21वां अध्याय प्रकाशित वाक्य याद आ गया, नए आकाश नई पृथ्वी के आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। सी कलीसिया की बात हो रही है। वचन 14, इसलिए हे प्रियो जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो सो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरे रहो। वचन 15, और हमारे प्रभु के धीरज को उदार समझो जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला है तुम्हें लिखा। यह किसको प्रचार करना है? अंत का दिन आएगा, किसको बोलना है? जो यीशु का है उसको बोलोगे, जो यीशु को जानता है उसको बोलोगे, या उसको बोलना है जो नहीं जानता उसको करो ना ये प्रचार। अप्रिशिएट करता हूं, आप उनको सुनाओ, अप्रिशिएट करता हूं। नरक का प्रचार उनको करो, अप्रिशिएट करता हूं। एक स्वर्ग है उनको प्रचार करो, अप्रिशिएट करता हूं। ऐसा दिन आने वाला है, अरे बाबा, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, बच्चों, ऐसा प्रचार करो। अभी अगर कोई देख रहा है फेसबुक और यूट्यूब पे तो उनको भी कहना चाहता हूं कि सर ऐसे भयंकर दिन आने वाले, पृथ्वी फट जाएगी, आकाश गिर जाएगा, ये सब कुछ जलाया जाएगा। है ना, ऊपर सब कुछ जलाया जाएगा, आप बचना है। लेकिन जो मसीह है उसको क्या करना है? उसको तो सेवा करना है। मैं रखूंगा अभी। अब एक इंपॉर्टेंट बात जानना चाहते हो, रख रहा हूं। लिखा है कोई रोक रहा है अंत के दिनों को। यीशु के जमाने से इसको कोई रोक रहा है, इसको भी जानना आपको बहुत जरूरी है। तो वो क्या चीज है जो अंत के दिन को रोक रहा है? आप जितने प्रीचर हैं ध्यान से सुनना, इसको खूब शेयर करना, इसको खूब दूसरों को व्हाट्सएप पे डाल देना, और ऐसों को जानबूझ के डालो जो ऐसी बकवास की वीडियो बनाते हैं कि देखो अंत आ गया, अंत आ गया, अंत आ गया। ऐसों को ज्यादा भेजना, ठीक है ना, जो किसी को लाके भी बोलते ना कि सर आप बोलो आपका क्या ओपिनियन है, आप अंत के बारे में क्या कहते हैं, उनको भी भेजना। लिखा है यीशु के जमाने से अंत को कोई रोक रहा है। देखना चाहोगे कौन रोक रहा है? इसको भी आपको जानना जरूरी है। रोमियों को 11:25, 2 थिस्सलुनीकियों 2:7, आइए देखते क्या लिखा है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं 11:25, लिखा है हे भाइयों, कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है, कहता है कि हे भाइयों कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। जरा ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो। कौन सा भेद है? रख रहा हूं कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले तब तक इज़राइल का एक भाग, एक पोर्शन, एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। तो इसका मतलब है कि जब तक इज़राइल टोटल चेंज ना हो तब तक वो कठोर रहेगी। ऊपर से यह सिलसिला चल रहा है कि अन्य जाति का एक एक व्यक्ति का उद्धार होना चाहिए, और जिसके चलते अभी 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 क्या पढ़वाया था मैंने, परमेश्वर धीरज रखता है। लिखा है कि नहीं लिखा है? परमेश्वर कहता है मैं धीरज रखा हूं ताकि सबको मन फिराव का मौका मिले, मौका मिले। वचन ये वाला देखो, मौका मिले। अब इसका मतलब है, यह वचन क्या कहता है? फिर कहता है कि जब तक अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश ना करे, कहां? परमेश्वर के राज्य में। इसराइलियों को लगता था कि यह हमारे बाप की जागीर है, कौन? यीशु मसीह। हम जब चाहे आ सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं, हम जैसा चाहें, क्योंकि हम पूर्वजों से आ रहे ना, अब्राहम, इसहाक, याकूब, अरे बाप रे। तो यीशु कहता है कि भाई मौका तो तुमको ही था, इन्विटेशन कार्ड तो तुमको ही छाप के दिया था, पार्टी में तुमको ही तो बुलाए थे, लेकिन तुमने तो कहा कि मेरा, कोई कहता है मेरा घर का काम चल रहा है, कोई कहता है मेरी बेटी की शादी है, कोई कहता है मेरा फसल काटना है, तुमने तो 10 बहाने बनाए। लेकिन फिर मैंने क्या किया? मैंने सड़क में से लोगों को उठाना शुरू किया, ऐसे लोगों को उठाना शुरू किया जिसको कहते हैं जंगली झाड़ियां। मैंने उसको साफ किया, मैंने उसकी चिकनाहट डाली पवित्र आत्मा, फिर मैंने उसको तुम्हारे ही डाली के साथ में, पेड़ के साथ में, यानी यीशु कहता है मेरे साथ में, मैंने उसको फिट किया। याद आ गया होगा आपको, वाह। तो इसका मतलब है कि जब तक अन्य जाति पूरी तरह से नहीं आएगी, अंत का दिन कैसे आएगा मेरे दोस्त? अंत का दिन कैसे आएगा? तो कोई रोक रहा है। और एक सबूत देता हूं, और एक सबूत देता हूं, 2 थिस्सलुनीकियों 2:6-7 में। इसको ऐसे लोग ज्यादा सुनना या बात को समझने की कोशिश करना, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। मैं इतना गुस्से में क्यों रहता हूं कभी कभी, और मेरे को गुस्सा क्यों आता है? मुझे क्या बोलते हो रद्दी पर भी फर्क नहीं है, मुझे क्या कहते हो रद्दी पर भी फर्क नहीं, लेकिन परमेश्वर का काम को मत बिगाड़ो,
क्योंकि आपके पहले जो पीढ़ी थी ना, वो बिचारी खून बहाकर अपनी जिंदगी देकर ये कलीसिया को खड़ा किया, और वो पहुंची है अभी मेरे और आपके हाथ में। लेकिन तुम जैसे लोगों ने गड़बड़ करना शुरू कर दिया, जिसके चलते मसीह मंथन आज खड़ा है, मैं खड़ा हूं और ऐसी बातें करने के लिए मजबूर हुआ हूं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, खास करके ध्यान दीजिएगा। लिखा है, अब तुम उस वस्तु को जानते हो, ब्रैकेट में सुसमाचार, कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, लिखा है जो उसे रोक रही है, किसको? एंटीक्राइस्ट को। फिर कहता है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है। अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। मतलब सुसमाचार में रुकावट आ रही है, मसीह की कलीसिया में काम रुकावट आ रही है, अधर्म का भेद। ये अधर्म का भेद कौन है? अगर धर्म का भेद यीशु है, तो अधर्म का भेद कौन है? एंटीक्राइस्ट, लूसीफर, उसकी सेना। कहता है वो अभी भी काम कर रही है। और पहला योना दूसरा अध्याय वचन 18 में क्या कहता है? जॉन क्या कहता है? कि अभी भी एंटीक्राइस्ट जगत में ऐसे कितने हैं, लेकिन फाइनल वाला अभी तक नहीं आया, और अभी आएगा भी नहीं, टाइम है उसके लिए। फिर कहता है देखिएगा, अपने ही समय में प्रकट होगा। ऐसा क्यों लिखा अपने समय में? उसे कोई रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, ऐसा क्यों? मैं रखूंगा उसको अभी, पर अभी एक रोकने वाला है, HP होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, उसको एक रोकने वाला है, वस्तु सुसमाचार वाला पवित्र आत्मा रोक रहा है। और लिखा है कि जब तक वह दूर ना हो जाए, वह रोके रहेगा, वह पवित्र आत्मा रोके रखेगा। एंटीक्राइस्ट, कम ऑन गेट रेडी, आप लोग क्या कर रहे हो पता है? एंटीक्राइस्ट का स्थापना हो चुका है, ये तक बोल दिया। एंटीक्राइस्ट जगत में आ चुका है, ये तक बोला। कौन सा? फाइनल वाला, ये तक बोल दिया। एंटीक्राइस्ट कभी भी शो अप हो सकता है, ये तक बोल दिया। और ये सिलसिला कब से चल रहा है? शुरू से। फर्स्ट सेंचुरी के लोगों ने, आप लोग जो अभी बकवास कर रहे हो ना एंटीक्राइस्ट को लेकर, ये फर्स्ट सेंचुरी के लोगों ने पहले से बोल दिया है, ये तब से बोलते आ रहे हैं। आ गया क्या? नहीं। आ गया क्या? नहीं। हद होती है यार। तो इस वचन के अनुसार वापस कहता हूं, मैं ग्रेट कमीशन का टीचर हूं, महान आज्ञा का टीचर हूं, मतलब ग्रेट कमीशन सिखाता हूं, मत्ती 28:18 यीशु का महान आज्ञा सिखाता हूं, और उसकी स्टडी करके बैठा ये आदमी, किस कंट्री में, किस क्षेत्र में, इवन भारत में कितने गांव हैं, कितने अनरीच ग्रुप हैं, UPG जिसको कहते हैं अनरीच पीपल ग्रुप, वो कितने हैं, उसकी स्टडी करके बैठा हूं। इंडोनेशिया, जहां पे मैं जाके आ चुका हूं, जो कि इस्लाम का नंबर वन कंट्री है, इस्लाम पॉपुलेशन वहीं पे है इंडोनेशिया। अब बताइए क्या वहां काम है? वहां चर्चेस हैं मिडल ईस्ट में, अरब कंट्री में चर्चेस हैं, चाइना में, कितना रुकावट है। कमाल करते हो यार। अपने भारत में हद हो गई। तो ये सारी चीजें ऊपर बैठा परमेश्वर रोक के रखा है। और इसको कब से रोका है? पहली सदी से। पहली सदी बीत गई, दूसरी बीत गई, तीसरी बीत गई, दसवीं बीत गई, पंद्रहवीं बीत गई, बीसवीं बीत गई, अभी चल रही है 21वीं। हद होती है यार। जरा सोचो क्या बोल रहे हो तुम लोग। अंत के दिनों को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, सीधी बात, अंत के दिनों को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर अंत आता है, आने दो। एंटीक्राइस्ट आता है, आने दो। ऊपर से कुछ चीजें गिरती है, गिरने दो, लेकिन हमको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एरो देख लीजिए, वचन रख रहा हूं। लिखा है दूसरा तसलोनिके 2:1-2 में लिखा है, हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने, उसको ठीक करो, अपने प्रभु यीशु मसीह के आने, और लिखा है उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, एक लिखता है आने, और दूसरा लिखा है कि उसके पास इकट्ठे होने के लिए। आ रही है ना बात समझ में? वो आएगा, हमको लेगा, और अपने पास, माफ करना, इकट्ठा करेगा। लिखा है अपने पास आने, उसके पास इकट्ठा करने के विषय में तुमसे विनती करता हूं। क्या? किसी आत्मा, दुष्ट आत्मा, किसी आत्मा, वचन शैतान की ओर से, या पत्री, याद आ गया गलतियों 1:7-8 में, अगर मैं या स्वर्ग से कोई दूध भी आकर ऐसी कोई बातें करे तो वो श्रापित है। तो किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, आज कैसे बोलना होगा, कोई पास्टर, कोई बिशप, कोई एवेंजलिस्ट यूट्यूब पे, फेसबुक पे ऐसी कोई बकवास करता, रख रहा हूं, या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से नहीं है। सीधी बात है, डैनियल सबको बता कि ये पत्रस की, पीटर की, जीसस की, पौलुस की मिनिस्ट्री की बातें नहीं है, ये तो किसी आत्मा, वचन या पत्री की बातें।
क्या लिखा है देखो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, लिखा है तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो, डिस्टर्ब ना हो, असंतुष्ट ना हो और ना तुम घबराओ। ये देखो, ना तुम अस्थिर हो ना तुम घबराओ। अब इसको देखो, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। वाह, देखो इसको क्या हो गया। अब मुझे बताइए, जूम के लोगों, जितने जूम पर हैं, फेसबुक और यूट्यूब वालों, प्लीज मुझे बताइए, मुझे प्लीज मेहरबानी करके बताइए, क्या हम धोखे में आ चुके हैं? यस। क्या ऐसे किसी पत्नी के धोखे में आ चुके हैं? यस। क्या ऐसे किसी आत्मा का शिकार हो चुके हैं? यस। क्या ऐसे किसी वचन को सुनकर हम फंस चुके हैं? यस यस, फंस चुके हैं आप लोग। और मुझे तक को कॉल करते हैं, पास्टर डैनियल अभी मोदी साहब ने कोरोना वायरस का वैक्सीन का अनाउंसमेंट किया है, तो ऐसे कुछ मूर्ख और बुद्धिजीव लोग हैं कहते हैं कि वैक्सीन नहीं लेना। बोला क्यों? उसमें एंटी क्राइस्ट का चिप डाला जाएगा। अब बताइए इनकी मूर्खता की लेवल देखिए। एक परमेश्वर का वचन कहता है, अभी दिखाया था, अभी दिखाया था आपको, कि रोक के रखा है उसको, रोक के रखा है। दानियल की पुस्तक में भी आपने पढ़ा होगा ना, उसको रोक के रखा है कि वो मंदिर में खुद को प्रकट करेगा, बलिदान चढ़ा देगा, डिक्लेयर कर देगा वन गवर्नमेंट वन नेशन, ऐसा डिक्लेयर कर देगा। बीच में राशन कार्ड को लेके मोदी साहब ने कुछ बोला तो मुझे वापस से धड़ाधड़ कॉल आ गए, बोला डैनियल भाई अब क्या करें, वन गवर्नमेंट का रूल आ गया। मेरे को बात समझ में नहीं आती है, ये तो ऐसी बात हो गई ना कि आदमी बीमार है, सामने चपरासी या फिर कोई वॉचमैन या फिर कोई आदमी सूटकेस लेके आ रहा है, तुमने उसको डॉक्टर बना दिया। क्योंकि हर बीमार आदमी को कोई भी देखो तो बोलता है डॉक्टर आ रहा है। जैसे चोर को कोई भी देखा बोला पुलिस आ गए, ये तुम्हारी हालत है। वो बीच में बराक ओबामा को तुमने एंटी क्राइस्ट बना दिया था। हद है यार, हद है बराक ओबामा। वैसे ही किसी के धोखे में नहीं आना। अब आई बात समझ में, ये किसका लेटर है? पौलुस का। देखो कितना सटीक है और कितना एक्यूरेट है। वो कहता है ऐसा कोई आत्मा, ऐसा कोई वचन, ऐसी कोई पत्री जो ये कहती है कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है। ये क्या कहते हैं? प्रभु का दिन। इसका मतलब क्या है? अंत का दिन आ चुका है। अब प्रभु का दिन का मतलब है अंत का दिन, अंत का दिन का मतलब है कि एंटी क्राइस्ट। हद हो गई यार। और अचानक तुम घबरा जाते हो, जो कि घबरा चुके हो, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक वापस आ गया, लिखा है जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। तो इसका मतलब है, धर्म का त्याग का मतलब क्या है? रैप्चर। दूसरे शब्दों में टोटल टोटल परमेश्वर का काम, जिसको कहते हैं धर्म का त्याग ना हो ले, मतलब टोटल परमेश्वर के वचन की स्थापना ना हो जाए और लोग इसको उस कदर तक बोला नहीं चाहिए सुसमाचार, नहीं चाहिए हमको यीशु, ऐसा त्याग ना कर ले, वो लेवल, वो पीक, पीक समझते हैं, वो लेवल पे पहुंचेगा और फिर ये खुद को डिक्लेयर करेगा कौन? एंटी क्राइस्ट। देखो लिखा है ना, पाप का पुरुष विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, तब तक नहीं होगा। अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, पहले फोटो दिखा देता हूं। एक है जीसस बर्थ, दूसरा है सेकंड कमिंग, जिसको कहते हैं फर्स्ट कमिंग सेकंड कमिंग। दो ही है बाइबल में, नॉट तीसरा, दो ही है, फर्स्ट कमिंग सेकंड कमिंग। आप जानना चाहते हैं दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है? एक ही है। लिखा है दोनों भी प्रभु के समय पे। फर्स्ट कमिंग कब होगा? प्रभु ने तय किया था। सेकंड कमिंग भी कब होगा? प्रभु तय करेगा। आप यार जो आपको काम दिया वो आप काम करो ना। मैं रख रहा हूं क्या करूं, मैं रख रहा हूं। ग्लोरी टू गॉड। क्या हो गया, निकाल दिया? टोटल नहीं बताया। अच्छा ओके ठीक है, वापस आ रहा हूं। टोटल मिला के ओके ओके, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट कमिंग एंड सेकेंड कमिंग, कॉन्सेप्ट क्या है? एक ही है। कनेक्शन क्या है? एक ही है। या सिमिलैरिटी क्या है? एक ही है। प्रभु का समय, जिस दिन प्रभु ने तय किया उस दिन यीशु को भेजा, फर्स्ट कमिंग। अब सेकेंड कमिंग भी कब होगा? जब प्रभु तय करेगा। पतरस ने पूछा कब होगा, बोलता चुप कर, यीशु ने कहा चुप कर, तेरा काम नहीं है। तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो बकवास की वीडियो बनाते हैं कि अंत आएगा, अगले हफ्ता आएगा, अगले महीना आएगा, और देखो है ना कई लोगों ने, तो भारत की बात कर रहा हूं, यहां तक आ रहा है नाम, नहीं बता रहा हूं, मूर्खता की सीमा पार कर चुके हैं। या तो वापस कहता हूं फर्स्ट कमिंग सेकंड कमिंग प्रभु के हाथ में नाउ। कैसे? मैं बता रहा हूं, प्रेरितों की किताब 1:10-11 लिखा है, और उसके जाते समय, यीशु के जाते समय, जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, यीशु के उठा लिए जाने के टाइम, असेंशन ऑफ जीसस क्राइस्ट देख रहे थे। अब देखो क्या लिखा है, तो देखो दो पुरुष,
सफेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े, हो सकता है ये वही होंगे एलिया और मूसा, आकर खड़े हो गए। लिखा है, कहने लगे, हे गलीली पुरुषो, गलीली का मतलब है तुम वो पुरुष हो जहां यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद तुमको मिला था, तुम वो पुरुष हो ना। बहुत ध्यान से सुना, गलीली पुरुषों का मतलब है यीशु ने कहा था कि तुमको मैं गलील में मिलूंगा, तो गलील में क्या मिला? ग्रेट कमीशन। गलील में क्या मिला? महानाज्ञा। गलील में क्या मिला? यीशु का आदेश। तो कहता है तुम वो पुरुष हो, तो लिखा है हे गलीली पुरुष हो, तुम ग्रेट कमीशन के पुरुष हो, तुम छेले बनाने वाले पुरुष हो, यहां खड़े खड़े क्या कर रहे? देखो लिखा है, तुम लिखा है दो पुरुष वस्त्र आए पहने हुए आए और कहने लगे हे गलीली पुरुष हो, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? तुम तो वो पुरुष हो ना जो गलील वाले हो। बोला हाँ। बोला तुम वो पुरुष हो ना जिसको मती 28 मिला है। बोला हाँ। बोला मरकुस का 16। बोला हाँ। लूका का 24। बोला प्रेरितों की किताब 1:8। बोला फिर यहां क्या कर रहे हो? See that. बोला यहां क्या कर रहे हो? तुम ऊपर क्यों खड़े देख रहे हो? आप जरा देखिएगा, जिस यीशु को, मतलब यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर अभी अभी ऊपर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसको जाते देखा है उसी रीति से वो फिर आएगा। इसका मतलब क्या है? फोटो देख लो, जिस रीति से गया उसी रीति से आएगा, जैसे उठा लिया गया वैसे ही आएगा, ऐसे गया ऐसे ही आएगा। लेकिन अब देखो, इस टोटल 10 और 11 पद में समय का जिक्र नहीं है, यहां पे टाइम का जिक्र नहीं है, यहां समय नहीं बताया गया। तो बस उसने इतना कहा कि जिस रीति से गया उसी रीति से आएगा। तो इस और इस लाइन के बीच में एक होता है टाइम गैप, टाइम गैप नहीं बताया, इसलिए रख दिया, टाइम गैप नहीं बताया। अब बताइए, तो इनकी मूर्खता की सीमा, तो फेसबुक और यूट्यूब वालों, तुम जो पढ़े रहते हो ना इनके पीछे, अरे क्या प्रचार किया एंटी क्राइस्ट के बारे में, अरे क्या प्रचार किया आर्मगेडन के बारे में, अरे क्या रेवलेशन दिया, प्रोफेसी पूरी हो रही है यरमिया, ये शायद चाइना का बॉर्डर पाकिस्तान, अरे गजब ढा दिया तुम लोगों ने यार। जिस चीज को सिखाना है उसको नहीं सिखा रहे, और तुम्हारी गिनती किसमें मालूम है? तुम्हारी गिनती इसमें, ऊपर क्या देख रहे हो? जो जो अंत का इंतजार कर रहा है ना उसको इसकी गिनती में खड़ा कर रहा हूं मैं, जो एंटी क्राइस्ट की टीचिंग के पीछे भाग रहा है ना मैं उसकी गिनती इसमें कर रहा हूं। तुम गलीली हो, तुम गलीली पुरुषों हो, तुम उस बैच के लोग हो जहां तुमको यीशु का प्रचार करना है, जिसके चलते मैंने ये फोटो रखा है। एक गर्भवती महिला जब तक बच्चा ना आए, जब तक बच्चे को वो जन्म ना दे, जब तक बच्चा ना आ जाए, ये क्या करती है? तब तक ये क्या करती रहती है? जानना चाहते हो? ये बच्चे के आने की तैयारी करती रहती है। उसका बेड कैसे होगा, उसका घर कैसे होगा, उसका पहला खाना कैसे होगा, उसके कपड़े कैसे होंगे, आ रही है बात समझ में? तो कलीसिया आज क्या है साहब? यीशु के दर्शन से गर्भवती, यीशु के आने की बातों से गर्भवती कलीसिया आज क्या है? एक दिन यीशु आएगा, एक दिन यीशु आएगा। आप उससे गर्भवती है ना, आपको यहां 9 महीना लगता है और यीशु के साथ में आपका जो है वो बरसों लग गए, 2000 साल तो वैसे ही बीत गए। तो आपको करना क्या है? इंतजार करो और जो काम दिया है उसकी तैयारी करो, दैट्स इट। अब अंत में एक बात, उसके बाद फिनिश कर रहा हूं। आई होप कि आप लोग अभी तक ठीक रहे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि फेसबुक पे कम से कम 450 के आसपास में, 440 के आसपास में आप लोग देख रहे हैं, कमेंट करके बताते जाइए कैसा लग रहा है, शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए। ये टीचिंग ऐसा है जो मसीहत को जितना पहुंचा सकते पहुंचाओ। अंत की बात कुछ बताकर बता देता हूं। यीशु की दुल्हन, ब्रैकेट में एक्लेसिया, यीशु की दुल्हन का सामना ना तो एंटीक्राइस्ट से होगा, ना महाक्लेश के सताव से होगा, ना व्हाइट थ्रोन, सफेद सिंहासन जहां पे पापियों का न्याय होगा, वहां नहीं होगा। और उसके बाद में ना नरक से होगा, ना तुरी, ना मोहर, ना कठोरा, ना कोई और बातों की। तो आपको किसी भी बातों की चिंता नहीं करना है, आपको सीधे यीशु के साथ और यीशु के पास, दैट्स इट। वापस कहता हूं, आप इनमें से किसी का सामना नहीं करोगे। अगर तुम दुल्हन हो ना एंटी क्राइस्ट का, तो जब आप उसका सामना नहीं कर रहे हो तो उसकी टीचिंग क्यों ले रहे हो मूर्खों? उसकी टीचिंग क्यों ले रहे हो? डांट इसलिए रहा हूं क्योंकि गुस्सा बहुत है, टाइम पास बहुत चल रहा है, बहुत टाइम पास चल रहा है। जिस काम के लिए रखा है वो नहीं कर रहे हो, बाकी टाइम पास बहुत कर रहे हो। इसको तो ऐसा कहते ना, जो गांव को जाना नहीं उसका एड्रेस पूछ रहे हो तुम लोग। ना महाक्लेश का सताव का सामना करेगी, ना व्हाइट थ्रोन, सफेद सिंहासन उसका भी सामना नहीं करेगी, ना नरक से होकर ये जाएगी, ना तुरी, ना मोहर, ना कटोरा, ऐसे किसी चीजों का सामना कलीसिया नहीं करेगी। क्यों? प्रकाशित वाक्य की स्टडी दे चुका हूं, आप लोग उसमें देख सकते हैं।
टोटल सीरीज है, प्लेलिस्ट में जाइए, टाइप करिए, आपको मिल जाएगा। कम से कम मुझे लगता है 16-17 एपिसोड है, मैंने उसके ऊपर प्रचार किया है और सटीक किया है, बिल्कुल डंके की चोट पे एक्यूरेट, और ट्रांसलेशन, हिस्ट्री, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, ना ही कोई और बातों की चिंता। लिखा है सीधे यीशु के साथ और यीशु के पास। अब प्रश्न उठता है, कैसे जाने कि आप ही यीशु की वो दुल्हन है, कैसे जाने? मैं फिनिश कर रहा हूं। तीन बातों का ध्यान रखना होगा, लिखा है तीन बातों का हमेशा ध्यान रखें। बहुत ध्यान से सुनना, मुझे पता है कि थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन सुन लीजिए। लिखा है तीन बातों का ध्यान रखें। क्या? पहला, क्या आप प्रतिदिन अपना क्रूस उठा रहे हैं? दूसरा, क्या आप सक्रिय रास्ते पे हैं? तीसरा, क्या आप उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं? ये टोटल तीन बातें। अगर आपने इसका ध्यान रखा ना, खेल खत्म। मैं इसके ऊपर कभी अलग से प्रचार करूंगा, एक एक पॉइंट के ऊपर। क्रूस उठाना प्रतिदिन, सक्रिय रास्ते पे चलना प्रतिदिन, और इच्छा परमेश्वर की पूरी करना प्रतिदिन। क्या प्रतिदिन आप अपना क्रूस उठा रहे हैं? क्या प्रतिदिन आप सक्रिय रास्ते पे पाए जाते हैं? क्या प्रतिदिन आप परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं? सक्रिय रास्ता का, माफ करें, क्रूस उठाने का मतलब क्या पता है? दुख उठाना। क्रूस उठाने का मतलब क्या पता है? यीशु के लिए त्याग का जीवन जीना। पैसा हो नहीं हो, पैसा घर हो नहीं हो, रोटी हो नहीं हो, कपड़ा हो नहीं हो, कोई भी चीजें, सक्रिय रास्ते का मतलब समझते हैं। आपको इस संसार के अंदर बहुत सारे सक्रिय रास्ते से जाना है, आपको एक एक चीजों का चुनाव आपको सक्रिय रास्ते से ही करना है। चौड़ा बहुत है वो, जहां भयंकर क्रिश्चियन मिलेंगे। मैं वापस कहता हूं, भयंकर क्रिश्चियंस मिलेंगे चौड़े रास्ते पे, लेकिन सक्रिय में बहुत कम मिलेंगे। और इच्छा पूरी करना, प्रभु तेरा काम बता, क्या करना है, किसको वचन सुनाना है, चेला बनाना, बपतिस्मा देना, चर्च प्लांट करना, पुरुष हो या स्त्री, दोनों को परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। और इन बातों के साथ में आज का मैसेज मैं समाप्त कर रहा हूं। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आपके महान उपस्थिति जो आपने दे रखी है प्रभु, इन सब को लेकर आ रहा हूं और कहता हूं कि पिता, एक भी वचन, एक भी प्रकाशन, एक भी बातें यहां वहां ना जाए, आकाश के पक्षी ना छुगे, बल्कि परमेश्वर तेरा वचन 100 गुना फल लाने वाले बने। एक एक व्यक्ति जो 1200 के आसपास अभी बैठ के सुन रहे हैं प्रभु, एक एक के हृदय को परमेश्वर पेनिट्रेट कर दे, उनके हृदय को हिला दे कि परमेश्वर उनको बाट नहीं जोनी है एंटीक्राइस्ट की, उनको बाट नहीं जोनी है किसी भविष्यवाणी की पूरी होने की, उनको बाट जोनी है यीशु की, यीशु के आने की। और वो तब तक क्या करना है, उनको तब तक काम करना है, तेरा वचन को प्रचार करना है, चेला बनाना है, कलीसियाओं की स्थापना करना है, ये सारा काम करने के लिए आप उनको तैयार करिए। आदर, महिमा, सम्मान, सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। सो इस तीन पॉइंट के साथ आप सभी को मैं यहां से विदाई देता हूं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, संडे के दिन 7 से 9 बजे तक जरूर आइएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।